हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है नेवल शिप रिपेयर यार्ड में जो आप लोग की ट्रेड्समैन स्किल्ड की रिक्रूटमेंट है, 302 वैकेंसी है ऑफलाइन आप लोग के यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। तो इसमें आप लोग जो मशीनिस्ट, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, वेल्डर, मशीनिस्ट, फिल्टर, फीटर, कारपेंटर वगैरह की आप लोग की काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिस है इसमें नेवल शिप या रिपेयर यार्ड पोर्ट ब्लेयर रिक्रूटमेंट आप लोग की निकली हुई ट्रेड्समैन स्किल्ड के लिए। तो ऑफलाइन आप लोग के यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। रिटर्न एग्जाम जो होने वाला है ट्रेड्समैन स्किल्ड हेल्ड होगा आप लोग का पोर्ट ब्लेयर एंड विशाखापट्टनम के अंतर्गत। और इसमें आप लोग जो एलिजिबिलिटी है एक्स नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस ओनली जो है यहाँ पे एलिजिबल है इन पोस्टों के लिए। नो अप्रेंटिस ओपन मार्केट से यदि आप लोगों ने अप्रेंटिस कर रखी है, ट्रेनिंग ले रखी है, काम सीखा हुआ, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, कोई इंटरव्यू आप लोग के लिए होने वाला नहीं। तो आप लोग जो है एक्स नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस आप लोग की होनी चाहिए, यानी कि जो आप लोग के एक्स नेवल अप्रेंटिस स्कूल होते हैं वहाँ से आप लोगों ने अप्रेंटिस कर रखी है, ट्रेनिंग ले रखी है, काम सीख रखा है, तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलने वाला, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। इंडियन नेवी नेवल शिप रिपेयर यार्ड है आप लोग का पोर्टेबल एप्लीकेशन को जो है आप लोग को यहाँ पे इनवाइट किया गया, ठीक है, एक्स नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस के लिए, अप्रेंटिस वालों के लिए। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है आप लोग की ट्रेड्समैन स्किल ग्रुप सी की वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग की जो जॉब लगती है तो आप लोग जो है अंडमान एंड निकोबार कमांड में, ठीक है, यूनिट में आप लोग की जो यहाँ पे भर्ती होगी, जो कि आप लोग के पोस्टेड होंगे एनी वेयर इन इंडिया, ठीक है। पूरी डिटेल आप लोग की दी हुई है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे वैकेंसी की जानकारी दी है। जी हाँ, ट्रेड्समैन स्किल्ड के लिए मैं आप लोग को जानकारी दे दूँ, मशीनिस्ट, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, वेल्डर, मशीनिस्ट, एमटीएम वेल्डर और शीट मेटल आप लोग की वैकेंसी है। यहाँ पे वैकेंसी की पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है, किस किस ट्रेड के अलावा आप लोग की जो जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आप लोग देख लेंगे टोटल वैकेंसी। इसके अलावा नॉन डेनिशियस ट्रेड की आप लोग की जानकारी दी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, कंप्यूटर फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, रडार फिटर और रेडियो फिटर की आप लोग की वैकेंसी है। इसके अलावा ट्रेड्समैन स्किल्ड की और जानकारी नीचे आप लोग की दी हुई है, ठीक है, सभी वैकेंसियों की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिल्टर और मैकेनिक, डीजल रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक, स्टील मेटल, कारपेंटर, मेसन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल भी बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं ये एलिजिबल हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे कौन कौन से लोग यहाँ पे किसके लिए सुटेबल हो, ठीक है, बेंच मार्क डिसेबिलिटी आप लोग को दी हुई आप लोग देख सकते हैं। मशीनिस्ट, पाइप फिटर, पेंटर, टेलर, वेल्डर सभी के लिए यहाँ पे बताया गया, सिप फिटर, इसके अलावा स्टील मेटर, कंप्यूटर फिटर और इंजीनियरिंग वेपन आईसी फिटर, ठीक है, सभी की डिटेल दी गई कौन कौन इसके लिए सुटेबल है नहीं है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे फंक्शन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। इसके बाद रिजर्वेशन जैसा कि आप लोग को मिलता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एज की बात की जाए तो 18 से 25 साल आप लोग की यहाँ पे एज होनी चाहिए यदि आप लोग हैं जनरल कैंडिडेट। जी हाँ, एजेंशियल क्वालिफिकेशन, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग की एजेंशियल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, कंप्यूटर फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, रडार, रेडियो मैकेनिक, ठीक है, इसके लिए वेपन फिटर, इलेक्ट्रिक फिटर, इंस्ट्रूमेंट, इंजन, एमटी, ठीक है, मशीनिस्ट, पाइप रिपेयर, पेंटर वगैरह के लिए यदि आप लोग हैं हाई स्कूल पास या फिर इसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कुछ कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है कंप्लीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड, आप लोगों ने जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी हो इस ट्रेड में जिस ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, और ये ट्रेनिंग मैं आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एक्स नेवल अप्रेंटिस स्कूल से ही आप लोग की होनी चाहिए, ओपन मार्केट से आप लोग की अप्रेंटिसशिप नहीं होनी चाहिए। तो हाई स्कूल पास हैं आप लोग और आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है नेवल अप्रेंटिसशिप स्कूल से तो आप लोग यहाँ के एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जो है नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए, और इसके अलावा इन्होंने कुछ और चीज़ें दी हैं मैकेनिक या फिर आप लोग ने इसके इक्विवेलेंट कर रखा है कुछ, और 2 ईयर रेगुलर सर्विस आप लोगों ने कर रखा है अप्रेंटिस टेक्निकल ब्रांच इन द आर्मी नेवी एयरफोर्स में अप्रेंटिस, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलर सर्विस आप लोगों ने दी है। इसके अलावा आप लोग की जो डिटेल दी है, ठीक है, ये सारी की सारी मैंने आप लोग को बता दी। तो 10th+ आप लोग के पास अप्रेंटिस होनी चाहिए। जॉब की जानकारी यहाँ पे आप लोग को दी है, कंप्यूटर फीटर का क्या काम है, रिपेयर का काम है, इलेक्ट्रॉनिक फीटर का काम है, रिपेयर मेंटेनेंस रूटीन शिप वगैरह, ठीक है, रडार फीटर का काम है, रडार रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रडार, रेडियो फीटर का काम है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडियो इक्विपमेंट, मशीन कंट्रोल फीटर का काम है जो मशीन की कंट्रोल करना, ठीक है, वेपन फीटर, ठीक है, वेपन के जो कंट्रोल से रिलेटेड है। इसके अलावा आप लोग को इलेक्ट्रिक फीटर, इंस्ट्रूमेंट फीटर, इंजन फीटर, एमटी फीटर, मशीनिस्ट, पाइप फीटर, पेंटर वगैरह, पेंटर का काम है, ठीक है,
प्लेट का काम है, लेजर का काम है, रजर, ठीक है, टेलर, वेल्डर, सारी डिटेल आप लोग को दी है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज रिलेक्सेशन, तो मैंने आप लोग को पहले ही आप लोग को बताया है, 18 से 25 साल आप लोग की एज मांगी गई है जनरल वालों के लिए, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, जैसा सभी को आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में मिलता है यहाँ पे आप लोग को छूट मिलने वाली है। तो क्रूशियल डेट आप लोग की जो है 50 दिन लास्ट डेट रहने वाली, तो जैसे ही इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके 50 दिन तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट आप लोग की क्रूशियल डेट आप लोग की मानी जाएगी, वहीं से आप लोग की जो है एज वगैरह भी काउंट होगी, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी दी जाए तो मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन आप लोग का जो होगा उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यदि एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच जाते हैं, तो 1:25 के अनुपात में आप लोग को जो है यहाँ पे जो भी आप लोग के फॉर्म पहुँचेंगे उसे सेलेक्ट किया जाएगा आप लोग के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर, ठीक है। यदि नहीं पहुंचते हैं तो आप लोग सभी को बुला लिया जाएगा। इस स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई, एग्जामिनेशन आप लोग का जो है जनरल इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग अवेयरनेस, इंग्लिश न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और आप लोग को जो है अवेयरनेस इन रिलेटिव ट्रेड, ट्रेड के क्वेश्चन के आंसर आएंगे आप लोग को 40 क्वेश्चन, जी हाँ, ट्रेड के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के आप लोग के 20 आएंगे, इंग्लिश के 10 आएंगे, और रीजनिंग और अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले, टाई होने पे जिसका बर्थ ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसा रूल्स होते हैं उसी प्रकार से आप लोग को आगे किया जाएगा। सिलेबस की जानकारी दी गई, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, रीजनिंग की, अवेयरनेस की, इंग्लिश की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, और इसके अलावा रिलेटिव फील्ड ट्रेड की आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, ट्रेड के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप लोग के यहाँ पे आने वाले। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आप लोग को रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से आप लोग को जो है सेंड कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड और वेबसाइट पर भी आप लोग को जो है यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर एंड विशाखापट्टनम में आप लोग का यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ने वाला, कोई और एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग का नहीं होगा, कोई रिक्वेस्ट आप लोग की नहीं सुनी जाएगी, तो पोर्ट ब्लेयर और विशाखापट्टनम में ही आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट की जानकारी दी है, ठीक है, तो जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका डेट आती है ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है, क्लोजिंग 50 दिन तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जानकारी आती है मैं आप लोग ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो बना दूंगा। तो यदि आप लोगों ने भी अप्रेंटिसशिप कर रखी है, 10th पास है, तो आप लोग मुझे बताइए ताकि जैसे ही इसकी रिक्रूटमेंट आए मैं आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो बना दूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बताया गया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यदि डेट आती है तो किस प्रकार से इसे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, इसकी सारी जानकारी मैं आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई वाली वीडियो बना दूँगा। पे स्केल आप लोग की 19,900 से 63,200 रुपये आप लोग की पे स्केल रहने वाले, हाउ टू अप्लाई की जानकारी दी है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई में पूरी जानकारी आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई वाले वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, यदि एग्जामिनेशन सेंटर में लेट पहुंचते हैं तो दिक्कत आप लोग को हो सकती है, ठीक है, एक्शन आप लोग के खिलाफ लिया जाएगा यदि आप लोग कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं, और इसके अलावा आप लोग को पूरी डिटेल यहाँ पे दे दिए, ठीक है, और चेकलिस्ट वगैरह। इसके अलावा फॉर्म की डिटेल भी आप लोग ले लीजिए, नाम, फादर नेम वगैरह, ट्रेड किस ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आप लोग की क्या है, एज कितनी है, एक्स सर्विसमैन है यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आप लोग को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नहीं, एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, ठीक है, आर्म फोर्स की डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी यदि आप लोग जॉब करिए यहाँ पे तो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कैटेगरी, लेंथ, एज वगैरह, परमानेंट एड्रेस, ईमेल वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th की जानकारी आप लोग को देनी पड़ेगी, 12th या ग्रेजुएशन कर रखी तो उसकी डिटेल भी आप लोग दे देंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत जैसे कि मैंने आप लोग को बताया एक्स नेवल अप्रेंटिस स्कूल ऑफ इंडियन नेवी का आप लोग जो स्कूल होंगे उसमें आप लोगों ने अप्रेंटिस करी हुई उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी, कितने नंबर है, कितनी परसेंटेज है, कौन सी डिवीजन है, ठीक है। इसके अलावा डिक्लेरेशन वगैरह, डेट, वेट, प्लेस वेस और थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर करते हुए आप लोग जो फॉर्म को भेज देंगे। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है, जो भी आप लोग की नेवल शिप रिपेयर यार्ड पोर्ट ब्लेयर में आप लोग की रिक्रूटमेंट आई हुई है, 302 वैकेंसी, यदि आप लोग भी इसके लिए अप्लाई करते हैं, करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोग को इसका वीडियो बना दूंगा, रिक्रूटमेंट आती है। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले ये कहूँगा यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।